रश्मि अपने दो बेटों राज और सनी के साथ रहती है। राज समझदार, शांत और रश्मि का सौतेला बेटा है, जबकि सनी चंचल, नासमझ और रश्मि का सगा बेटा है। दोनों के स्वभाव में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि रश्मि ने दोनों बेटों की परवरिश में बहुत फर्क किया है। उसने सनी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, जबकि राज के साथ हर तरह से भेदभाव किया है। उसके दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं, इसलिए वो दोनों की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती है। तो वो पंडित जी को दोनों बेटों की फोटो देते हुए कहती है, लीजिए पंडित जी, मेरे दोनों बेटों की तस्वीर है, आपको जल्द ही मेरे लिए बहुएं ढूंढनी है। आप फिक्र मत कीजिए बहन जी, मैं आपके बेटों के लिए अच्छे अच्छे घर का रिश्ता बताऊंगा। नहीं नहीं पंडित जी, आप मेरे सनी के लिए अच्छे घर का रिश्ता बताना, जो अमीर लोग हो, खाते पीते अच्छा हो, दान दहेज अच्छा दे सके। राज की तो आप किसी भी लड़की से शादी करवा दो, उसे कोई परेशानी नहीं है। रश्मि नहीं चाहती थी कि उसके सौतेले बेटे की शादी किसी अच्छे और अमीर घर में हो, क्योंकि वो राज से बहुत जलती थी। इसी जलन की वजह से उसने राज की शादी एक गरीब घर की लड़की मानवी से करवा दी और सनी की शादी अमीर घर की लड़की दिव्या से करवा दी, जो दहेज में बहुत सारा सामान, सोना, चांदी और गहने लेकर आई। वहां मौजूद लोगों ने जब रश्मि से पूछा, रश्मि बहन, तुम सनी के लिए तो बड़े घर की लड़की लाई हो, लेकिन राज के लिए इतने गरीब घर की लड़की, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे लड़की अच्छी थी तो मैंने शादी से मना नहीं किया, और राज पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, भला उसे दान दहेज या अमीर घर की लड़की की क्या जरूरत है। दोनों बेटों की शादी तो हो गई, लेकिन रश्मि हमेशा मानवी को ताने सुनाती रहती और दिव्या की सबके सामने तारीफ करती। एक दिन रश्मि ने दिव्या से कहा, बहू जरा मेरे लिए चाय तो बना ला। माँ जी, आप मुझे चाय बनाने के लिए बोल रही हैं? आपको पता है ना मैं किस खानदान की लड़की हूँ, हमारे यहाँ नौकरों की भीड़ लगी रहती है, ये छोटे मोटे काम मुझसे नहीं होते। रश्मि को दिव्या की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन तभी मानवी रश्मि के लिए चाय बनाकर ले आई। लीजिए माँ जी चाय। मैंने तुझसे चाय मांगी है जो तू ले आई। पर माँ जी, आपने दिव्या से चाय के लिए कहा था, उसने मना कर दिया तो मैं ले आई। आज के बाद अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कहूँ बस उतना ही काम कर, समझी। रश्मि मानवी को डांटी रही थी कि राज वहां आकर बोला, मानवी शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तुम शाम के खाने की तैयारी कर लेना, और ऐसा खाना बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाए। यह क्या अच्छा खाना बनाएगी, इसके मायके में खाने को कुछ अच्छा बनता भी होगा जो यह बनाएगी। ये कहकर रश्मि वहां से चली जाती है और राज मानवी को समझाता है, मानवी तुम माँ की बातों को दिल पर मत लगाना, तुम इतना अच्छा खाना बनाओ कि माँ भी तुम्हारी तारीफ करे बिना ना रह पाए। मानवी ने शाम के खाने की सारी तैयारी कर ली। शाम को राज के दोस्त घर पर आए तो उन्होंने खाने की खूब तारीफ की। वाह वाह भाभी वाह, क्या खाना बनाया है, मजा आ गया खाकर। हाँ राज, तेरी वाइफ ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैंने तो ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। राज ने अपने दोस्तों से मानवी की तारीफ सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा। राज के दोस्त चले गए। अब सभी घर वालों के खाना खाने की बारी आई। घर वालों को भी मानवी के हाथों का बना खाना बहुत पसंद आया, लेकिन मानवी की सास ने अपनी बहू की तारीफ नहीं की और मुंह बना लिया। लेकिन सनी कहां चुप बैठने वाला था, उसने तो मानवी की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। भाभी आपने वाकई में बहुत लाजवाब खाना बनाया है, अरे बड़े बड़े शेफ बिना फेल है आपके आगे, कल मैं भी अपने दोस्तों को खाने पर इनवाइट कर लेता हूँ, आप ऐसा ही खाना बनाना। तू अपने दोस्तों को खाने पर बुला रहा है तो मानवी क्यों खाना बनाएगी, दिव्या बनाएगी खाना। अपना नाम सुनकर दिव्या को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चुप रही। अगले दिन सनी के दोस्त आए और उन्होंने दिव्या के हाथ का बना खाना देखा तो उनका खाना खाने का मन ही नहीं हुआ। सारी रोटियां जली हुई और सब्जी कच्ची, दाल में तो पानी के अलावा और कुछ भी नहीं था। सनी के दोस्त बिना खाना खाए ही चले गए।
सनी का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। दिव्या, तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। दिन भर शीशे के सामने खड़ी होकर मेकअप करती रहती हो। कल से तुम मानवी भाभी से खाना बनाना सीखोगी। खाना है तो खाओ, यहाँ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा खाना मैं नहीं बना सकती। बड़े आए मानवी भाभी वाले। अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? उस बेचारी को क्या पता तेरे दोस्तों को कैसा खाना पसंद है, और खाना इतना बुरा भी नहीं लग रहा। माँ, ये कैसी लड़की से शादी करा दी मेरी? मानवी भाभी को देखो, वो भाई के सामने ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती, और ये आपकी लाडली बहू मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। रश्मि मानवी की किसी बात में तारीफ नहीं करती, और दिव्या चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, रश्मि उस गलती पर पर्दा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक दिन रश्मि के घर पर उसकी बहन आती है। रश्मि, तेरी बहू मानवी तो पूरा दिन घर का काम करती रहती है, लेकिन ये दिव्या कुछ काम नहीं करती, बस इधर से उधर घूमती रहती है। अरे नहीं नहीं दीदी, ये बहुत काम करती है, बस आप ध्यान नहीं देती। मेरी बहू दिव्या लाखों में एक है, अरे मेरी सब बात मानती है। कहाँ काम करती है, सारा दिन तो शीशे के सामने खड़ी रहती है, और अगर कभी फ्री भी हो गई तो टीवी खोलकर बैठ जाती है। मैंने तो इसे कभी काम करते नहीं देखा। तो इस पर भी घर की कुछ जिम्मेदारी डाल, नहीं तो ये तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। ये सारी बातें दिव्या सुन लेती है और दोनों को खूब सुनाती है। आप दोनों के पास कुछ काम नहीं है जो सुबह सुबह मेरी चुगली शुरू कर दी? मौसी जी, आपने तो आते ही मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं बहू, दीदी का वो मतलब नहीं था, तू गलत समझ रही है। दीदी तो बस तेरी भलाई के लिए बोल रही थी बेटा। माँ जी, आप अपनी बहन से बोल दीजिए कि इन्हें मेरी भलाई सोचने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से चलती बने और हमें भी चैन से रहने दे। हाय राम, तेरी बहू काम चोर होने के साथ साथ जुबान की भी तेज है। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तू संभल कर रहियो इससे। तू जितना इसे सर पर चढ़ाएगी ना, उतने ही जूते मारेगी ये तुझे। इतना कहकर रश्मि की बहन चली जाती है। कुछ दिन के बाद मानवी की माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तो मानवी राज के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। अच्छा हुआ दोनों चले गए, आप कुछ दिन के लिए घर में मैं आराम से रह पाऊंगी। रश्मि ये सोचकर खुश हो रही थी कि सनी आ गया। माँ, आज तो बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? राज और मानवी कुछ दिन के लिए मानवी के घर पर रहेंगे, इसीलिए खुश हूँ बेटा। अच्छा, और आपने ये सोचा घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? अरे मेरी बहू इतनी भी बुरी नहीं जितना तू समझता है, वो बड़े घर से आई है ना, तो नखरे थोड़े ज्यादा है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अगले दिन सुबह जब सनी ऑफिस के लिए तैयार होकर आया। माँ, माँ मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आज मानवी भाभी नहीं है तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा क्या? मैं तो सो रही थी बेटा, सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं रही ना मुझे। तेरी बहू क्या कर रही है? वो सो रही है माँ, और 10 बजे से पहले उठेगी भी नहीं। रुक जा फिर, मैं तेरे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। रहने दो माँ, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा। ये बोलकर सनी वहाँ से चला गया। उस दिन दिव्या कमरे से बाहर नहीं निकली और घर का सारा काम रश्मि को करना पड़ा। जब शाम हुई तो रश्मि ने दिव्या से कहा, बहू आज मैंने सारा घर का काम किया है, बहुत थक गई हूँ मैं, शाम का खाना तुम बना लेना। हाँ माँ जी, आपको पता है ना मेरे हाथ का खाना घर में कोई नहीं खाता, इसलिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आप ही बना लो। वैसे भी आपके और आपके बेटे के लिए ही तो खाना बनेगा, मैं तो बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। इस तरह दिव्या रोज कुछ न कुछ बाहर से खाना ऑर्डर करती और खा लेती, और घर का कोई भी काम नहीं करती। एक दो बार रश्मि ने दिव्या को काम के लिए बोला भी तो दिव्या ने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद रश्मि को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने हमेशा राज और मानवी के साथ सौतेला व्यवहार किया, और बड़े घर की लड़की लाने के चक्कर में अपने बेटे सनी की जिंदगी खराब कर दी। बेचारी मानवी
छोटे घर की बेटी है लेकिन कितनी संस्कारी है। जब मानवी और राज घर आएंगे तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। राज और मानवी घर आए तो रश्मि ने उन दोनों से माफी मांगी और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगी। साथ में वो दिव्या को सुधारने के तरीके के बारे में भी सोचने लगी थी। कहानी रिया की है, जिसकी माँ मर जाने के बाद पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। नई सौतेली माँ अच्छी नहीं होती। अरे देख रिया की बच्ची, पढ़ने भेज रही हूँ वो क्या कम है, पर सारा काम पूरा किए बिना तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? माँ मुझे देर हो जाएगी क्योंकि आज एक्स्ट्रा क्लास है। मैंने सारा काम कर दिया है, बस दादी की रोटी बनानी है। बस रोटी बनानी है? अरे उस बुढ़िया के लिए तो मैं बिल्कुल भी रोटी ना बनाऊं। रिया समझ जाती है कि उसे आज फिर कॉलेज देर होगी। वो जाकर रोटी बनाने लगती है। मैं कल से खुद ही खाना बना लिया करूंगी रिया बेटी, तेरी ये माँ तुझे पढ़ने देना नहीं चाहती। वो कौन होती है मेरी पढ़ाई रोकने वाली? मैं स्कॉलरशिप से पढ़ रही हूँ, सरकार पैसा दे रही है मेरी पढ़ाई का तो। हाँ बेटा, लेकिन वक्त पर कॉलेज पहुँचना भी तो जरूरी है ना। रिया कॉलेज के लिए निकल ही रही थी कि उसका सौतेला भाई सामने आ जाता है। दीदी आप फिर लेट हो गया ना कॉलेज के लिए, चलो मैं आपको बाइक से कॉलेज छोड़ देता हूँ। लेकिन माँ ने तो तुझे मना किया है ना मुझे कॉलेज लेने आने और छोड़ने जाने के लिए। दीदी सारा घर का काम करके आप भी तो थक जाते हो। कोई बात नहीं, मैं माँ से बोल दूंगा कि दोस्त के घर गया था, लेट हो गया। रिया का सौतेला भाई उसे और दादी को बहुत प्यार करता था। रिया के पिता नई माँ की करतूत के कारण लकवा खाकर बिस्तर पर थे। क्या सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हो, अरे कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूँ, तू मेरे बच्चे को परेशान करती है, ऊपर वाला जरूर तुझे तेरे कर्मों की सजा देगा। सजा? अरे अभी तो तुम बिस्तर पर हो, क्या पता कल को तुम भी अपनी पहली बीवी के पास चले जाओ। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे कैसी औरत हो, अपने ही पति के बारे में ऐसा बोलती हो। अरे चुप हो जाइए, एक बच्ची के पिता से शादी करके मैंने तो आपके घर को एक चिराग ही दिया है, और इस उम्र में इतना बोलना ठीक नहीं है माँ जी। वक्त गुजरता है और रिया की सौतेली माँ का गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। फिर एक दिन रिया के पिता की मौत हो जाती है। एक दिन, अरे सुन लो तुम दादी पोती, इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, घर का सारा काम बाहर का काम करोगी तभी रोटी दूंगी, वरना इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। अच्छा, अरे ये मकान मेरे नाम का है। अरे यही गलत फहमी में रहना बुढ़िया, ये देख मकान के कागज, तुम्हारे बेटे ने पूरा मकान मेरे नाम किया था। सास ये देखकर सन्न रह जाती है, लेकिन करती भी तो क्या, अब इस उम्र में कहाँ जाती वो। एक दिन रिया की दादी झाड़ू लगा रही थी कि गिर पड़ती है। रिया परेशान हो जाती है। दादी दादी क्या हुआ आपको, डॉक्टर के पास ले चलते हैं भैया। हाँ दीदी चलो। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतना फालतू पैसा नहीं है मेरे पास, इनको यहीं लिटा दो, और हाँ जो बची हुई झाड़ू है ना वो तू पूरा लगा देना। कैसी बात कर रही हो माँ, दादी को चोट लगी है, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को लेने। भाई डॉक्टर को ले आता है जो दादी को अब सिर्फ आराम करने की सलाह देकर जाता है। दीदी मैं जल्दी से पढ़ाई पूरी कर लूँ, फिर नौकरी करूँगा तो तुम सबको अच्छे से रखूँगा, मुझे तो इन्हें माँ बोलने में ही गुस्सा आता है। कोई बात नहीं भैया, माँ तो माँ ही होती है, तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है ना, वैसे भी अब तो मेरी भी पढ़ाई खत्म हो गई है, मैं भी नौकरी ढूंढ लूंगी। अब रिया घर का सारा काम करती, फिर पढ़ती और नौकरी खोजती। एक दिन रिया कॉलेज से घर आती है कि रिया बेटा तुरंत इस घर से चली जा, तू अपनी नानी के घर जा, मेरे कारण इतना दुख मत सह बेटा। अरे दादी आप ही तो कहती है ना, सुख में किसी के साथ हो ना हो दुख में हमेशा साथ होना चाहिए, फिर आप ही मुझे जाने के लिए कह रही हैं, उल्टी शिक्षा मत दीजिए दादी, और हाँ आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। न
नहीं नहीं बेटा, अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। मेरी चिंता मत कर, तेरे जाने के बाद कोई आदमी आया था, वो तुझे पूछ रहा था। मैंने ज्यादा तो नहीं सुना, लेकिन तेरी माँ बोल रही थी कि वो तुझे मजबूर कर देंगी। मैं नहीं जानती वो क्या कर रही है, लेकिन बेटा मुझे उस पर भरोसा नहीं है। दादी, अगर ऐसी बात है तो अब मैं उनके जुल्म नहीं सहूंगी। वैसे भी दादी, मेरी आज नौकरी लग गई है, मैं आत्मनिर्भर बन गई हूँ, अच्छे पैसे मिलेंगे। अब मैं आपको लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तभी पीछे से आवाज आती है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, अगर कोई जाएगा तो वो है माँ। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, वो क्यों जाएंगी, घर तो उनका है ना। वो इसलिए जाएंगी क्योंकि ये आपका है, पापा ने घर आपके और दादी के नाम किया था, माँ ने हम लोगों को झूठे कागज दिखाए थे। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, माँ ने बड़ी ही चलाकी से हम लोगों को डरा कर रखा। तो असली कागज है कहाँ? तभी वहाँ एक वकील आता है। कागज मेरे पास है बेटा, तुम्हारे पापा मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझसे इस घर का सारा हिस्सा तुम्हारे और माँ के नाम रखने को कहा था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हमारी माँ हम लोगों को झूठ बोलकर डरा रही है? मैंने बताया दीदी, दरअसल कल माँ ने बहुत ही गंदी हरकत की, उन्होंने आपकी शादी एक बूढ़े आदमी से पैसों के लिए तय कर दी थी। ये बात जब मुझे पता चली तो मैं वकील अंकल के पास माँ के खिलाफ केस करने की बात करने गया, लेकिन अंकल ने मुझे बताया कि घर तो आपके नाम है, इसलिए मैं वापस आ गया। अरे वाह बेटा वाह, मेरे बेटे ने घर उसके नाम नहीं किया था, मेरे लिए तो यही बहुत है। हाँ दादी, अब हम लोग मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जो उन्होंने दीदी के साथ करना चाहा है, वो साथ रहेंगी तो कोई ना कोई ऐसी हरकत करती ही रहेंगी। तभी वहाँ माँ आ जाती है। आए हाय, क्या खुराफा चल रही है इस घर में? अरे वकील साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दोस्त तो रहा नहीं है आपका, तो आप भी पधारिए आप अपने घर। माँ, यहाँ से अब कोई जाएगा तो वो है आप, क्योंकि वकील अंकल पापा के दोस्त हैं और उन्होंने हमें प्रॉपर्टी के बारे में सब सच बता दिया है कि वो दादी और दीदी के नाम है। और तू मेरी फूल जैसी बच्ची को बूढ़े आदमी के साथ शादी करके रवाना करना चाहती थी? अरे बेटा, लिख केस इसके खिलाफ, और ऐसा लिखना कि इसकी चार पुश्तें इसे जेल से ना निकाल पाए। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं घर का सारा काम करूंगी, किसी को कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे अब इस घर से मत निकालो। तो देखा दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी।